आज की वीडियो में आपको कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कटरीना और विक्की काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, मगर दोनों ही अपने इस रिलेशनशिप को छुपा कर रखे हुए थे और पब्लिक नहीं कर रहे थे। कटरीना और विक्की को बहुत बार एक साथ स्पॉट भी किया जा चुका है और अब दोनों अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल करके शादी करने जा रहे हैं। कटरीना और विक्की सलमान खान की वजह से अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करते थे और विक्की के फादर भी ऐसा ही चाहते थे, क्योंकि वो विक्की के कैरियर को दाव पर नहीं लगाना चाहते थे। उन्हें ये डर है कि अगर उनके बेटे विक्की ने कटरीना के साथ अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया तो सलमान खान उनसे बदला लेने के लिए उनका कैरियर ना ख़त्म कर दें। इसलिए विक्की के फादर दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कुछ खास माने हुए नहीं थे और वो अभी भी यही चाहते हैं कि दोनों अपना रिलेशनशिप छुपा कर रखें और वो दोनों के रिलेशनशिप से ज़्यादा खुश भी नहीं हैं। विक्की अभी अपने कैरियर के स्टेज पर हैं जहां से उन्हें ऊपर जाना है और कटरीना से शादी करके वो सलमान खान के साथ साथ बहुत से बॉलीवुड माफिया को अपने अगेंस्ट कर सकते हैं। मगर कटरीना और विक्की अब इस सब से नहीं डरते और वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ चुके हैं और वो शादी के बंधन में बंध कर अपनी लाइफ एक दूसरे के संग गुजारना चाहते हैं और वो ये डिसीजन ले चुके हैं कि वो अब अपना रिश्ता ऑफिशियल करके शादी करने जा रहे हैं। थोड़े दिन पहले हर्ष ने भी दोनों के रिलेशनशिप के बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट दी थी कि कटरीना और विक्की एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कटरीना और विक्की अपनी शादी को बहुत लो की रखना चाहते हैं और सिर्फ फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स के बीच डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं और कोविड से अच्छा टाइम ऐसी वेडिंग करने का और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए कटरीना और विक्की ये चाहते हैं कि वो इसी कोविड के ज़माने में अपनी शादी कर लें। कटरीना और विक्की अपनी शादी के प्रिपरेशंस तो कर ही चुके हैं और बहुत ही जल्द दोनों शादी की अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। आपको कटरीना और विक्की का कपल कैसा लगता है और क्या दोनों को अभी शादी कर लेनी चाहिए या थोड़ा और वेट करना चाहिए? हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।